ओके okay. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सी द टाइमिंग ऑफ मैरिज और मैरिज uh, का टाइमिंग करने के लिए क्या रूल्स हैं कितनी टेक्निक्स हैं तो उससे पहले एक चीज आती है जिसको बोलते हैं प्रॉमिस ऑफ द मैरिज कि कुंडली में वो प्रॉमिस अगर हमें देखना आ जाए तो हम टाइमिंग भी अच्छे से कर सकते हैं तो हम uh, ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये हम हो सकता है दो या तीन पार्ट में करें ये बहुत लेंथी सेशन होगा और आज का जो सेशन है वो बेसिकली प्रॉमिस ऑफ द मैरिज पे है और हो सकता है ये सेशन ही इट्सैल्फ दो हमें सेगमेंट में करना पड़े एक आज और एक नेक्स्ट क्लास में फिर हो सकता है टाइमिंग ऑफ मैरिज हम थर्ड में करें तो ये भी हो सकता है कि आज हम प्रॉमिस ऑफ द मैरिज कर लें और नेक्स्ट में हम टाइमिंग ऑफ मैरिज के रूल समझें तो सबसे पहले हमको टाइमिंग ऑफ मैरिज कर टाइमिंग देखने से पहले उसके रूल्स लगाने से पहले पहले हमको ये देखना है कि क्या हमको प्रॉमिस ऑफ द मैरिज कुंडली में देखना आता है क्योंकि अगर प्रॉमिस नहीं देखना आएगा तो टाइमिंग भी करना मुश्किल है क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं या कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो मैरिज uh, की प्रिडिक्शन की टाइमिंग के बारे में जानना चाहता है तो बेसिकली क्या होता है जब स्टेट अवे हम टाइमिंग पे आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हो जाती है कि हम जो प्रॉमिस है चार्ट में मैरिज का वो हम देखना भूल जाते हैं या बताना भूल जाते हैं या उसकी चर्चा करना हमको ठीक नहीं लगता क्योंकि अगर हम चर्चा करेंगे तो शायद क्लाइंट को बुरा लग सकता है कि भाई हमें प्रॉमिस चार्ट में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है या हमको प्रॉब्लम दिख रही है या तो शादी होने में ही दिक्कत दिख रही है डिले दिख रहा है या शादी के बाद दिक्कत दिख रही है तो कई बार हमको लगता है कि हम उस उस विषय पे डिस्कशन करें या नहीं करें अब होता क्या है कि जब हमने टाइमिंग कर दी और आपने बोला कि आपकी शादी जो है छह महीने बाद या एक साल बाद हो जाएगी आपने बोल दिया कि ये छह महीने बाद एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपने दे दिया कि इस तीन महीने से आठ महीने का पीरियड है ये एक साल है इसमें आपकी शादी हो जाएगी अब आपने बता दिया मगर वो हुआ नहीं तो वो फिर आपके पास आ सकता है आपका क्लाइंट और बोल सक, बोल सकता है कि ऐसा मेरे साथ तो हुआ ही नहीं और वो ये भी बोल सकता है कि मैंने तो किसी और को भी चार्ट दिखाया और उन्होंने तो बोला कि मेरी कुंडली में शादी के योग ही नहीं है तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में शादी हो जाएगी तो मतलब इसे बोलते हैं कि क्लाइंट टू हैव ओन केक एंड वू मतलब कि अगर आप उसे बताते तो भी एक दुविधा थी कि भाई हमको दिक्कत दिख रही है चार्ट में और नहीं बताया तब भी वो आपके पीछे आएगा और तब भी बोलेगा कि आपने क्यों नहीं बताया मैंने तो किसी और से पूछा मैंने तो किसी और से पूछा उन्होंने तो बोल दिया है ही नहीं तो आपने मुझे कैसे बोल दिया तो मतलब कहीं ना कहीं वो सारा जो अः आप मतलब उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पोज करेगा वो आपके ऊपर डालने की कोशिश करेगा वो क्लाइंट चाहे वो जातक है या का है कोई भी है तो अगर आपने उसे बता दिया टाइमिंग और आपने आपने ये नहीं बोला कि भाई हमें डिले भी दिख रहा है या बहुत मुश्किल दिख रही है तब वो तब एक दिक्कत ये आ सकती है कि वो आपके पास आ सकता है दोबारा और ये बोल सकता है कि सर या तो ये भी बोल सकते हैं कि सर हुई नहीं दोबारा चार्ट एनालाइज कर लीजिए ये तो हुआ ही नहीं तब आप बोलेंगे कि नहीं मुझे मैरिज के योग कम दिख रहे हैं तब आपको थोड़ा बुरा लगेगा बोलने में क्योंकि तब आपको लगेगा कि काश में एक साल पहले ही पह, इसको बता दिया होता तो कम से कम क्लाइंट को ये रहता कि हाँ शादी के योग कम है तो वो उसको भी इतनी निराशा नहीं होती तो बहुत ही बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है और uh, हर जातक को चाहे वो देश हो विदेश हो दुनिया में सबको लिए एक शादी का जो कॉन्सेप्ट है जो शादी का uh, जिसको हम बोलते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है और आसान नहीं है चाहे आप कितना भी टाइमिंग ऑफ मैरिज सीख लीजिए और कितना भी अच्छे से कर लीजिए बट अगर प्रॉमिस अगर आपको चार्ट में नहीं देखना आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी खुद मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो है मुझे दिक्कत आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है कि मैंने पांच चार्ट में प्रडिक्शन तो दिया मगर पांच में से एक भी मैच नहीं हुआ और आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैंने टाइमिंग के रूल तो सीख लिए बट मुझे ऐसा कहाँ चीज रह गई कि मेरी पांच के पांच चार्ट पे प्रिडिक्शन फेल हो गई आपको लगेगा कहीं ना कहीं और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है वन ऑफ द सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स बता रहा हूं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी भी विद्याएं हैं जैसे ज्योतिष में नाड़ी है हम पराशर सीख ही रहे हैं केपी भी है लाल किताब है बहुत सारी विद्याएं हैं। मगर कहीं ना कहीं जब हम मैरिज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि के पी में इतने रूल्स नहीं है के पी में इतने रूल्स नहीं सिर्फ दो सात ग्यारह का एक रूल है कि बस दो सात ग्यारह देखिए और प्रिडिक्ट करिए मगर आज जब मैं आपको इतनी एग्जॉस्टिव क्लास दूंगा जिसका मैं बोल रहा हूँ कि जिसके लिए हमें हो सकता है कम से कम तीन क्लास भी करनी पड़े आपको खुद पता चलेगा कि कितने सूत्र हैं और मतलब ये मान लीजिए कि हजारों सूत्र हैं उसमें उसमें मैं आपको बेस्ट सूत्र बताऊंगा सबसे बेस्ट जो है जिसको देखकर आपको पता लग जाएगा कि मुझे कुंडली में प्रॉमिस देखना आ गया तो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम सब कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं शायद ही कोई रूल बचेगा शायद ही कोई रूल जितनी भी आपने किताबें पढ़ी होंगी, में में, में जितना भी भी कुछ आपने पढ़ा होगा, तो जो पराशर के जितने भी के जितने हैं, बिल्कुल आज कैसे लगाएंगे यानी देशकाल पात्र मैं हमेशा बोलता कि देशकाल पात्र को लगाना नहीं भूलना है आप सिंपल कोई भी ऐसा नहीं है कि श्लोक पढ़ लिया और वो याद कर लिया और आप उसको लगा रहे हैं। बिना देश के दे, बिना देश काल पात्र के रूल्स फेल होते नजर आएंगे ठीक है तो जब हम प्रॉमिस की बात हम कर रहे हैं या टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो जब मैं बोलता हूं कि देशकाल पात्र तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि भाव भावेश और कारक हमेशा मैंने बोला है कि भाव भावेश और कारक को हमेशा समझना है तो यानी मैरिज के लिए जो भाव है इंपॉर्टेंट भाव है वो मैंने मेरे हिसाब से सेवेंथ है सेकेंड है और ट्वेल्थ है तो इसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन है हम आगे करेंगे आगे सीखेंगे और क्यों है और भावेश की बात कर रहे हैं तो सेवेंथ लॉर्ड है ये सबको पता है ठीक है और जब हम बात करते हैं कारक कारक कौन से है मैरिज के तो वो शुक्र है और बृहस्पति हैं और जो शादी में विघ्न पैदा करते हैं यानी जो डिलेड मैरिज है जो शादी या तो नो मैरिज होगा है या शादी के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये पांच प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है केतु मंगल सूर्य शनि और राहु तो या तो शादी में डिले हो या शादी हो ही ना या शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो जैसे मैरिटल अफेयर है या फिर शादी के बाद कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से शादी सक्सेस नहीं होती डिवोर्स हो जाता है तो ये पांचों प्लानिट जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और सेपरेटिव प्लान तो ये अपना रोल प्ले करते हैं अपनी दशा अंतर दशा में ये प्ले करेंगे जब भी ये सेवेंथ हाउस के साथ जुड़ जाएंगे सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ ये प्लैनेट जुड़ जाएंगे अपनी दशा अंतर दशा में तो दिक्कत आएगी तो एक तो दशा अंतर दशा आ गई और दूसरा आप ओवर एंड अबव ट्रांजिट अब लगा के देखिए उसमें तो आपको ट्रांजिट से भी पता चलेगा कि ऐसा इवेंट हुआ तो क्यों हुआ मगर मेजर है दशा और लॉर्ड हाउस से जोड़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि अच्छी खासी शादी जो सात साल आठ साल दस साल भी चल गई पंद्रह साल भी चल गई तब भी डिवोर्स हो जाता है दस, साल बाद भी हो जाता है और फॉरेन कल्चर में तो मतलब तो बहुत ज्यादा है वहां तो दो साल में भी दो बार हो जाए दूसरे दिन हो जाए ठीक है वहां मल्टीपल मैरिजेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेसिकली अः वहां पर ये बहुत ज्यादा है ठीक है तो हमें क्या देखना है भाव भावेश और कारक और सारा खेल इन्हीं का ही है बस मैरिज की टाइमिंग में प्रॉमिस देखने में ये जो मैंने चार पॉइंट लिखे हैं सब इन्हीं का ही है बट इन्हीं की ही प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन uh, कॉम्बिनेशन लगाने हैं कि क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इस इसी से हमें प्रॉमिस पता चल जाएगा चार्ट में है या नहीं है तो हम कुछ सीखेंगे बेसिक रूल्स फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कुछ एडवांस रूल्स प्रॉमिस देखने के लिए चार्ट में तो पहले हम सीखेंगे बेसिक रूल और फिर उसके बाद हम सीखेंगे एडवांस रूल्स क्या है तो एडवांस रूल्स में भी आपको वो वो रूल्स बताऊंगा जो कि बहुत प्रोमिनेंट हैं और बहुत अच्छे रूल्स हैं सर ये सॉरी टू इंटरप्ट ये पूछना था जैसे अगर हमें दिख भी रहा हो ऑफ मैरिज तो कुछ ऐसे योग भी हैं जो उनको नलीफाई कर कर सकते हैं या मतलब भंग कर सकते हैं कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज तो है लेकिन कुछ और योग निकला निकलाया जो जिसने भंग कर दिया और अब अब नहीं होगी शादी अच्छा जी हम ज्यादातर यही बात करते हैं ना योग में तो बताता हूं, बताता हूं, हाँ हूं। कि ये योग है तो इससे ये हो जाए बताता, बताता हूँ अच्छा... योग है जिनसे नहीं होगा जी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली देखिए एक बात करते हैं दो तीन बहुत अच्छी चीजें बताता हूँ आपको ठीक है वाइस वर्षा दोनों तरीके से क्वेश्चन पकड़ते हैं मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है ठीक है मांगलिक दोष है तो जब मैच मेकिंग के वक्त की बात आती है या इंडिपेंडेंट चार्ट को देखने की बात आती है तो हम क्या देखते हैं कि क्या मांगलिक दोष का कोई कैंसिलेशन दिख रहा है क्योंकि हमें पता है अगली जो पार्टी है वो मांगलिक नहीं है तो हम मांगलिक दोष का कैंसिलेशन का देखते हैं उसका परिहार देखते हैं कि क्या है क्या हमें कुछ पूजा से या रेमेडी करके उसका समाधान मिल सकता है तो बेसिकली ऐसे बहुत केसेस हैं जिसमें जिसमें क्या होता है कि जो जातक है या जातिका है एक मांगलिक होता है और एक नहीं होता तो उसकी पूजा करा लेते हैं वो जो भी मांगलिक उसमें बताई गई है मांगलिक के परिहार के लिए तो आ, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी एग्जाम्पल भी हैं ऐसे सेलिब्रिटी एग्जाम्पल भी हैं जिसमें जातक जातिका में से किसी एक की पूजा हुई है और फिर शादी हुई है बेसिकली तो एक तो ये तरीका है कि हमको पता है कि चलो मांगलिक है और हम हिंदू अपने सनातन धर्म में जब हम शादी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारी नजर जो होती है एक एस्ट्रोलॉजर की वो मंगल पे ही पड़ती है कि मंगल कहाँ है कि पहले चौथे सातवें आठवें घर में तो वो नहीं है या दसवें घर में तो नहीं है तो हमें पता होता है कि अ, मतलब हमें मांगलिक दोष दिख जाता है साउथ इंडिया में सेकंड हाउस में भी ले लेते हैं मंगल को वहां पे वो मांगलिक मानते हैं तो एक तो ये है हमें पता है कि परिहार हम पूजा से कर सकते हैं यानी समाधान है हमारे पास शास्त्रों में लिखा है तो हम कर सकते हैं एक दूसरी चीज यह है कि मान लीजिए कि कुंडली में पितृदोष है ठीक है अब या मंगल की बात भी दोनों में ना जातक ना का कोई भी मांगलिक नहीं है अब हमने क्या देखा कि किसी एक में बहुत आ, जिसे बोल सकते हैं एक पितृदोष है और वो पितृदोष की वजह से हमें लग रहा है कि बेसिकली क्योंकि जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पितृदोष को भी देखा जाए क्योंकि अगर मैच मेकिंग हमने सीधा कर लिया तो हमें दिख जाएगा कि भाई अः गुण में से इतने मिल रहे हैं भकुट दोष है या नहीं है या नाड़ी दोष है या नहीं है या गण जितने भी जो होते हैं राशि नक्षत्र वाले जितने भी होते हैं हमने वो देख लिए और हमने पितृदोष को इग्नोर कर दिया ठीक है तो एक तो तरीका यह है कि हमने सिंपल कुंडली मैच मेकिंग करी और पितृदोष को निग्लेक्ट कर दिया और बेसिकली पितृदोष को 99% ऑफ द टाइम ही किया जाता है क्योंकि ऑफ सच उसका कोई उपाय नहीं होता आदमी जीवन प्रत्यंतर उपाय करता है शादी से पहले भी बाद में भी चाहे वो पूजा करे या दान करे या पितृ तर्पण के थ्रू करे पितृदोष की पूजा करे या किसी मंदिर में जाके करे क्योंकि शादी के बाद भी पांच साल बाद दस पंद्रह साल बाद भी जीवन में दिक्कत आ सकती है चाहे वो पैसे को लेके हो किसी चीज को लेके ले भी हो तो पितृदोष का ऐसा सच कोई उपाय नहीं है मैच मेकिंग के दौरान कोई ऐसा उपाय नहीं है कुछ सर्टन पोजिशन में आप कुछ पर्टिकुलर चीजें कर सकते हो ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मान लो शनि और राहु की महादशा और अंतरदशा चल रही है या तो जातक या जातिका की ठीक है मगर कुंडली मिल रही है अच्छे गुण मिल रहे हैं तो आप क्लाइंट को ही सजेस्ट करें कि इस समय शादी ना करें कि या तो राहु की अंतरदशा थोड़ी मतलब निकल जाए और अगर शनि अंतरदशा में है तो उसकी अंतर्दशा निकल जाए स्पेशली अगर वो दोनों सातवें घर में है तो या उन दोनों की दृष्टि सातवें घर पे पड़ रही है तो आप जातक को बोले या जातिका को बोले कि आपका जो मैरिज टाइमिंग तो ठीक है सब सही चल रहा है प्रपोजल्स भी आ रहे हैं आप बता रहे हैं कि टाइम मतलब जो है अगली जो पार्टी है वो अग्री भी कर रही है बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर वो शादी हो जाती है ना तो शादी के तुरंत महीने भर में ही वो वो टूटने पे आ जाती है वो क्योंकि वो टाइमिंग ठीक नहीं थी ना मैंने क्या बोला देश काल पात्र को कभी नहीं बोलेंगे यानी कि उस काल को उस काल जो गणना है उसको आप नहीं बोलेंगे वो किस समय पे वो इवेंट हो रहा है आप को आप कभी भी देखना जब भी मेलेफिक की दशा में शादी होगी ना मेलिफिक दशा या अंतर दशा में तो जनरली वो सर्व सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है उस मैरिज को वो क्या होता है फिर सगे संबंधी रिश्तेदार मित्र उसको पैचअप कराते हैं और वो पैचअप कब तक चलता है जब तक किसी की अंतरदशा चली नहीं जाती तो या तो फिर वाकई में आ, किसी एक जातक या जाति का कुंडली बहुत पावरफुल हो जो बचा रही हो शादी को यानी कि समझ रहे हैं आप मतलब बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि हो सातवें घर पे सातवें घर के मालिक पर और शुक्र पर और शुक्र किसी का पीड़ित तो ना हो एटलीस्ट किसी एक एक कुंडली में तो ना हो तो शादी बच जाएगी ठीक है ऐसे आपके पास आएंगे बहुत सारे कुंडली एनालिसिस के लिए कि शादी हो गई वो पूछेंगे कि ये शादी जो है तुरंत दूसरे दिन ये प्रॉब्लम आ गई जो मैं आपको एक दिखाऊंगा एक चार्ट ऐसा मेरे पास है आ, मैंने आज कम से कम अपनी 10 स्टडी रखी है कुछ सेलिब्रिटीज की चार्ट है तो उसमें एक मेरे पास चार्ट है ऐसा इसमें शादी के अगले दिन ही प्रॉब्लम आई तो ऐसे पेरेंट्स आपको पूछेंगे कि क्या किया जाए ठीक है तो ये हुआ इसका इसका दूसरा पहलू देखने का एक मंगल का जो मैंने बताया एक पितृदोष का बताया मेलिफिक प्लेनेट की दृष्टि का बताया और आ, क्या मैं अभी आपका आंसर कर पाया या फिर आ, अगर कुछ आप थोड़ा जो छूट गया है मुझे बताएं तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको सनी जी वो सर वो योग भंग पूछ रहा था मैं तो आ, यो अच्छा योग भंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मतलब अगर जैसे प्रॉमिस कोई आप हमें दिख रहा हो बट हो सकता है ना कुछ ऐसे भी योग होंगे कि जिसमें योग वो भंग हो रहा हो तो वो कौन से योग है मतलब Uh, ये क्वेश्चन जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि योग दिख रहे हैं मतलब शादी के योग दिख रहे हैं शादी ना होने के योग दिख रहे हैं और फिर उसको आप रहे शादी होने होने के योग दिख रहे हैं बट कुछ ऐसे भी तो योग हो सकता है हो हो सकता है कि वो कैंसिल कर देते होन... योग होने के बावजूद भी अच्छा अच्छा ओके पहली बात तो ये कि आ, पहली बात तो ये कि इसका आंसर मैंने मंगल वाले में उसमें दिया मंगल वाले में कि योग है योग है यानी कि हो सकता है बृहस्पति सातवें घर पे बैठे हो सातवें घर को देख रहे हो तो योग बना रहे हो ठीक है मगर मंगल पहले घर में बैठा है चौथे में आठवें में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो शादी में दिक्कत दे सकता है मगर कहीं ना कहीं उसको कैंसिलेशन कौन कर रहा है जुपिटर कर सकते हैं अपनी स्थिति से वो कहां पर बैठे हैं वो उसको कैंसिलेशन कर सकते हैं मगर इसका बेसिक अगर मैं आंसर बताऊं मंगल वाले उदाहरण को छोड़कर अगर कुंडली में योग नहीं है शादी का तो वाकई में शादी फिर नहीं होगी आप मान के चलिए मतलब हो ही नहीं सकती अगर कुंडली में योग नहीं है तो हो ही नहीं सकती वो बात अलग है कि कोई एक बेनिफिक प्लेनेट का समय आया या अंतरदशा में आया या कोई ऐसा गोचर आ गया फॉर द टाइम पीरियड उस समय पर एक योग बन के उस समय बन गया वो शादी हो गई मगर जैसे ही अंतरदशा से वो प्लेनेट बाहर जाएगा और किसी दूसरे अंतर्दशा की प्लेनेट आएगी और ट्रांजिट में भी एक दो प्लेनेट कुछ ऐसे मूव हो जाएंगे कि जिस पे सातवें घर पे सातवें लॉ सातवें घर के मालिक पर मैलिफिक दृष्टि पड़ेगी तो वो फिर वो शादी कैंसिल भी हो सकती है कैंसिल मतलब शादी होने के बाद भी डिवोर्स हो सकता है बेसिकली तो इसका आंसर ये है इसका कोई कैंसिलेशन नहीं होता है मंगल के केस में जरूर आपको पंडित जी एस्ट्रोलॉजर बता देंगे कि मांगलिक है तो इसका कैंसिलेशन है स्पेशली इन मंगल के केस में मगर जनरली इसका कोई मंगल के अलावा कोई भी इसका भंग योग नहीं होता कोई भी इसका नहीं होता अगर योग नहीं लिखा तो नहीं लिखा जैसे कि एग्जाम्पल है अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी कर ले लता मंगेशकर जी कर ले ठीक है नरेंद्र मोदी जी कर ले ऐसे बहुत आपको चार्ट है मदर टेरेसा कर लें जिसमें शादी प्रॉमिस ही नहीं है मतलब कुंडली में शादी दिखी नहीं रही है ठीक है तो ऐसे बहुत चार्ट ऐसे आपको मिले मिलेंगे जिसमें शादी का प्रॉमिस ही नहीं लिखा है समझ रहे हैं आप उसमें शादी का प्रॉमिस ही नहीं लिखा है तो इसको आप ऐसे समझें अगर योग नहीं है तो नहीं है वो बात अलग है अपने कर्म से बिल्कुल तक पीछे पड़ के और मतलब बिल्कुल बोले कि नहीं यू नो कि कुछ भी हो जाए शादी करनी ही करनी है ठीक है और और वो शादी जब कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है इसमें एक चीज और भी होती है जैसे मान लीजिए कभी कभी एक, आ, एक शादी की एक, एक, एक यू नो एक मैरिज की एक एज भी होती है सबको पता है एक अच्छी एज बाईस से लेकर सब छब्बीस सत्ताईस सथाई, अट्ठाईस तक एक अच्छी एज कंसिडर की जाती है बेसिकली इस एज तक एक अच्छी एज कंसिडर इवन तीस तक भी कंसिडर आज के जमाने में की जाती है ठीक है और मगर यही अगर एज लड़कियों में जब बात हो जाए और जब वो जैसी पच्चीस से ऊपर क्रॉस करती है स्पेशली मैं मैं बात सेलिब्रिटी नेटिव्स uh, uh, की नहीं कर रहा हूँ जो सेलिब्रिटी उसमें उस उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ तो उनके घर में थोड़ा सा हो जाता है कि भाई अब लड़की की जो उम्र है वो पच्चीस से ऊपर हो गई है ठीक है तो कहीं ना कहीं जाति का को भी लगता है मेरी शादी होनी चाहिए अब वहां पर मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जातिका क्या होगी या तो गवर्नमेंट जॉब में होगी ठीक है या फिर जाति का क्या होगी कि एक अच्छे प्रोफाइल पे होगी अच्छी जॉब में होगी अच्छा अर्निंग कर रही होंगी तो वो सुंदर भी होंगी तो वो उनकी क्या होती है महत्वाकांक्षा और उनके परिवार की कि भाई मुझे लड़की मुझे जो लड़का मिले वो टॉल डार्क हैंडसम हो उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा हो ठीक है उसके पास अपनी प्रॉपर्टी हो अपना घर हो किराए पे ना रहते हो तो इतने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इतने सारे आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुंडली में अब मैं दूसरे तरीके से बात कर रहा हूं कुंडली में योग तो है मगर जातक जातिका ने इतने पैरामीटर पहले सेट कर लिए हैं कि जो चीज टाइमली हो सकती थी एक अच्छी वो उन्होंने इतने पैरामीटर सेट कर दिए कि जब भी रिश्ते आए तो उन्होंने प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया और वो बात आगे बढ़ती बढ़ती गई अब एज हो पैंतीस भी हो गई अब अब वो अब वो कहना चाह रहे हैं कि ठीक है अब हम अग्री करते हैं अब हम कंप्रोमाइज कर लेंगे चाहे वो रंग रूप हो चाहे वो पैसा हो चाहे वो जॉब हो चाहे वो कुछ भी चीज हो अब हम कंप्रोमाइज कर लेंगे तब उन्हें कोई रिश्ता नहीं मिलता तब क्या होता है तब तब तो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि तब वो उनको काम नहीं करने देता जब प्लानिटरी इन्फ्लुएंस अच्छा था तब जा तक ने अपने कर्म को ज्यादा सुपरसीड किया और उन्होंने तब मना कर दिया तो बेसिकली शादी का जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब यहाँ पे भगवान आपको पूरा 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 साथ देते हैं कि आप अपने कर्म यानी अपने पूरे कर्म को जिसे बोलते हैं कि आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं एक टाइमली मतलब एक टाइम पर आपको खुद जज करना है कि भाई ये जो मुझे प्रपोजल आ रहा है ठीक है इस प्रपोजल के लिए मैं हाँ कर सकता हूं या कर सकती हूं क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर मैंने ज्यादा देखने शुरू करे तो फिर यह भी एक रिस्क है कि फिर प्रपोजल बंद हो जाए तो एक ना एक चीज कई बार दस में से पांच चीज भी कंप्रोमाइज करनी पड़ सकती है आपको दस में से छह भी करनी पड़ सकती है जितनी आपकी बड़ी लिस्ट होगी जितनी आपकी बड़ी मृग तृष्णा होगी लिस्ट लिस्ट इज नथिंग बट ए मृग तृष्णा उतना ज्यादा आप अपने लिए मुश्किल करते हैं जनरली ऐसा क्लाइंट करता है और जब एक सर्टेन टाइम निकल जाता है तब वो एस्ट्रोलॉजर्स को पूछते हैं कि अब हमारी शादी नहीं हो रही हम क्या करें तो एस्ट्रोलॉजर्स ये बताते हैं कि देखिए आपकी तो बहुत अच्छी दशा चली गई बहुत अच्छा टाइम चला गया इस समय तो हो सकती थी तो ये आपने क्यों निकाल दिया तो क्लाइंट अगर जेनुइन होंगे तो बताएंगे वैसे जेनुइन मिलेगा नहीं आंसर आपको जेनुन कभी नहीं मिलेगा जेनुइन अगर आंसर मिलेगा तो क्लाइंट खुद बोलेगा कि हाँ मेरे पास पांच प्रपोजल आए या दस आए मगर मेरे को कोई भी अपने लायक नहीं लगा ठीक है तो क्लाइंट क्या होता है कि अपनी कसौटी पे खुद को वो उसको तोलता है और वो मानता है कि भाई मैं बहुत मेरे पे पैसा है मेरे पे रंग रूप सब है फैमिली है कार है प्रॉपर्टी है तो मुझे उसके इक्वल कुछ चाहिए तो कई बार कई बार ऐसा भी हो जाता है तो इसे घमंड भी बोल सकते हैं इसे ईगो एरोगेंस भी बोल सकते हैं और दिखावा भी बोल सकते हैं वी कैन वी कैन से एनीथिंग बेसिकली ये है मैरिज के लिए जो बेसिकली हाउसेज हैं मैंने कहीं पर भी इसमें ग्यारहवा घर नहीं लिखा है पूरे जितने भी हम डिस्कशन करेंगे मैंने कहीं पर भी ग्यारहवा घर नहीं लिखा कहीं पर भी ठीक है मुझे उसका लॉजिक नहीं दिखता नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है हर चीज को गेन नहीं माना जा सकता लाइफ में कि हर चीज वी नॉट कंसिडर एज गेन कि बस घर जोड़ दो तो गेन हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है और अप, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने जितनी मैंने जितना मेरा खुद का एनालिसिस है जितना मैंने देखा है ऐसा कुछ नहीं है कि ग्यारहवा घर जैसे कहते हैं कि ग्यारहवां घर होगा एक्टिवेशन में तभी कुछ होगा ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको इतने रूल्स दिखाऊंगा अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज अच्छी हो तो शादी हो सकती है और क्या चीज वहां पे स्पॉइल हो रही हो तो शादी बर्बाद हो सकती है तो उसका ग्यारहवें घर से कहीं कोई रिलेशनशिप है ही नहीं बट <coughs> फिर भी कार्यकर्व समझने हाउसेस समझने तो जो इंपॉर्टेंट है सेकेंड हाउस फैमिली का है सेवेंथ हाउस सेक्शुअल मैटर्स का है ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर का है फिफ्थ हाउस रोमांस एड टेंथ हाउस कहीं ना कहीं लिया जा सकता है इतनी कोई इसका कोई खास ऐसा है, नहीं है बट ले सकते हैं आप क्योंकि टेंथ हाउस सेवेंथ हाउस से फोर्थ हाउस दूर होता है तो मैरिटल मतलब है सुख टेंथ हाउस जो होता है वो सुख होता है मैरिज का तो आप ले सकते हैं इसको ही. तो फोर्थ हाउस नहीं होता कुछ फोर्थ हाउस ओके बेसिकली फोर्थ हाउस का इतना कोई ऐसा खास इसमें रोल नहीं है अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस का रूल तभी आएगा जब फोर्थ हाउस में आ, मंगल बैठा होगा ठीक है क्योंकि फोर्थ हाउस के मंगल एक तो क्या होता है मांगलिक बनाता है और फोर्थ हाउस का मंगल जो होता है सातवें घर पे अपनी दृष्टि रखता है तो फोर्थ हाउस का रूल तब आता है बेसिकली कि कौन सा प्लैनेट बैठा है फोर्थ हाउस में तब आता है वो ज्यादातर रूल जो आता है ना ज्यादातर वो दूसरे और सातवें घर का आता है क्यों क्योंकि दोनों घर जो होते हैं वो गवन वीनस से होते हैं और मैरिटल लाइफ में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो शुक्र का बहुत रोल है मैं जुपिटर का भी नहीं मानता मैं मंगल का भी नहीं मानता मैं शुक्र का मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ठीक है और जुपिटर हमने समझा है कि इट इज अ पॉजिटिव प्लान ठीक है कार्यकत्व है जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा होना ठीक है जुपिटर अच्छी जगह वेल प्लेस्ड हो ठीक है मगर सबसे ज्यादा जो है वो शुक्र ही है क्योंकि काल पुरुष कुंडली में शुक्र को ही वो जगह दी गई है तो शुक्र की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्यों दी गई दूसरा घर फैमिली सातवां घर

कि लेट मैरिज नो मैरिज और और नो हैप्पीनेस आफ्टर मैरिज तो बेसिक कुछ एग्जाम्पल आपको मैं जब आगे दिखाऊंगा तो ये बेसिक रूल्स क्या कहता है कि जब सातवा घर ना पीड़ित हो राहु केतु शनि से पीड़ित हो शुक्र पीड़ित हो क्योंकि शुक्र की राशि वहां लिब्रा आती है तो बेसिकली जब सातवां घर पीड़ित हो राहु केतु शनि से शुक्र पीड़ित हो राहु केतु शनि मंगल सूर्य से सेवेंथ लॉर्ड सिक्स ट्वेल्थ में बैठा हो ठीक है और शनि पहले घर में बैठा होगा तो of course उसकी दृष्टि जो होगी वो सातवें घर पे होगी तो वो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी ठीक है वो सेपरेटिव दृष्टि होती है सूर्य की भी सेपरेटिव दृष्टि होती है केतु की भी सेपरेटिव दृष्टि होती है अगर ये प्लानिट फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं सेपरेशन क्रिएट करते हैं तो सर, सर ये जो एट्थ हाउस लिखा है ए में पॉइंट

Uh, समझ समझ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आठवें घर में बैठे हैं तो पितृदोष बनाएंगे हर घर से दूसरा घर सपोर्ट सिस्टम होता है ठीक है तो सातवें घर के लिए सपोर्ट सिस्टम वो दूसरा आठवां घर होता है इसलिए मैंने आठवां लिखा है यहाँ पे तो ये इट्स अ गुड पॉइंट बेसिकली ठीक है और पहले घर में शनि बैठा हो सातवें घर में सूर्य बैठा हो आपस में जब सप्तक बैठ जाते हैं तो ये भी प्रॉब्लम करते हैं या तो लेट मैरिज में नो मैरिज या शादी हो भी जाए तो उसके बाद प्रॉपरली वो शादी ब्लिस नहीं होती ब्लिसफुल नहीं होती है वो। वीनस का केतु के साथ आना वीनस का केतु के नक्षत्र में होना ठीक है वीनस केतु का सातवें घर में होना केतु का सातवें घर में होना अगर आप एक बात गौर करेंगे कहीं पर भी आप हम आप देखेंगे कि सातवां घर बार बार इसलिए मैरिज के लिए क्योंकि वो शुक्र की वहां राशि लिब्रा आती है तो यानी कि तीन चीज आपको हर बार देखनी है मैरिज <coughs> के प्रॉमिस देखने के लिए सातवां घर लिब्रा साइन और शुक्र अगर सब कुछ भी भूल जाओ ये तीन चीजें कभी मत भूलना तो बेसिक रूल्स ये है अभी मैं आपको आगे जब एडवांस में आने वाली स्लाइड्स में आपको में, आ, आपको आपको एडवांस दिखाऊंगा जिसमें बेसिकली और और चीजें चीजें सीखने को मिलेंगी कि ऐसे और क्या हैं कि ऐसे क्या हैं वो 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 भी देखी जाएं। तो तो मैं अभी अभी, 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 अभी आपको दिखाता तो, राहु के लिए करेक्ट अगर देखिए आप ऐसे समझो अगर राहु सूर्य के साथ बैठ गया तो डेफिनेटली पितृदोष है ही अगर राहु फिफ्थ में बैठ गया तो भी पितृदोष है राहु सेवेंथ में बैठ गया तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है तो ये पितृदोष नहीं है बट तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है नाइन्थ में बैठ गया तो पितृदोष दे सकता है ठीक है वाला राहु अच्छा नहीं रहता ना हाँ करेक्ट तो बेसिकली बिजनेस माइंडेड बनाता है ना क्योंकि बिजनेस का साइन है हर चीज में हर चीज में मनी माइंडेड बना सकता है बिजनेस माइंडेड बना सकता है और स्पाउस में वो इल्यूजनरी वाला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है जैसे डाउटफुल होता है वो एक्चुअली बिल्कुल सही करेक्ट बिल्कुल ठीक है तो अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि मैरिज में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है मतलब एक अच्छी मैरिज के लिए एक तो होना है उसके लिए भी शुक्र चाहिए शादी हो जाए उसके बाद वो सस्टेन कर जाए उसके लिए भी शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है तो शुक्र का अच्छा होना ठीक है बहुत बहुत जरूरी है ये मैं आपको माइथोलॉजी से भी समझाऊं तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य जी को श्राप दिया था ये बेसिकली किसी टेक्स्ट में है नहीं और ये श्राप इस 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 वजह से दिया था कि शुक्राचार्य जी को बहुत मतलब शत्रुता थी भगवान विष्णु से कि उन्होंने एक तो ये था कि उनकी जो माता थी ख्याति उनको मार दिया था तो एक तो उस बात का बदला लेना चाहते थे तो कभी गहराई से समझते नहीं थे कि ऐसा भगवान विष्णु ने भी किया तो क्यों किया ठीक है वो भगवान को ही चैलेंज करते थे वो तो एक तो उनकी माता को मारा था तो इस वजह से उनको उनसे वो बहुत वो थे रुष्ट कि ऐसा विष्णु जी ने क्यों किया जब अपना बदला वो लेना चाहते थे तो उन्होंने अपने पिता भृगु से जब इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने भी बोला कि देखो जो भगवान विष्णु ने किया अच्छा किया है कि भलाई के लिए किया होगा तुम्हारे लिए तुम्हारी माता के लिए सबकी जगत की भलाई के लिए किया होगा तो तुम मत लड़ो मगर बोले नहीं मैं तो मुझे तो अपना हक चाहिए मुझे राक्षसों का हक चाहिए मुझे तो लड़ना है और बेसिकली वो लड़ने चले जाते हैं उनके पास और अपने साथ सब लोग लेके चले जाते हैं वो उनके साथ उनके पिता ब्रिगु भी जाते हैं बहुत उन पे एलिगेशन लगाते हैं वो नहीं समझते तो ऐसा जो ऐसा जो वाक्य होता है दो बार होता है एक तो वो बली के लिए लड़ते हैं भगवान विष्णु से कि तुमने बली से सब कुछ छीन लिया जो मेरा शिष्य था उनकी है ना? है ना उसमें तो दो बार उनसे वो लड़ने जाते हैं बैकुंठ और एक तो ये इसी वजह से माता ख्याति का उनको बड़ा वो होता है उनसे कि मेरी माता को इन्होंने मार दिया और दूसरा तब जाते हैं जब बलि को सब कुछ वो दे देते हैं तो फिर बलि को रियलाइज कराते हैं शुक्राचार्य की भाई तुम्हारा तो सब कुछ छीन लिया तुम्हारे साथ धोखे से किया है तुमको वापस मांगना चाहिए तो बलि की पुत्री जो होती है वो कहती है कि हाँ पिताजी आपके साथ गलत हुआ है तो आप ये देखें कि आपने तो सब दान में दे दिया मगर दान में क्या हुआ हम लोगों को भी तो हमारे हाथ से भी तो सब कुछ चला गया मतलब मैं आपकी पुत्री हूँ मगर मेरे पास भी तो कुछ नहीं रहा तो उनको रियलाइज हो जाता है बली को कि हाँ ये तो गलत हो गया मतलब मैं अपने अ, मेरे हाथ से कुछ चीज जाती तो मेरा ही नुकसान होता तो अलग बात थी मगर मेरे दिए हुए दान से से जो कि मुझसे छल ले लिया ये तो मेरी जो संतान है उसको भी कुछ नहीं मिल रहा उसमें और मेरे समाज को भी कुछ नहीं मिल रहा मेरे गुरु को भी कुछ नहीं मिला मुझसे सब छीन लिया तो वो दो बार लड़ने गए थे शुक्राचार्य बैकुंठ में विष्णु जी से तो विष्णु जी ने फिर उनको बोला देखो ऐसा है मैंने तुमको बहुत समझाने की कोशिश की तुम नहीं माने ठीक है तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि क्योंकि तुम श्राप ये देता हूं कि तुम गुलोक मतलब धरती पे चले जाओ मृत्यु लोग जिसको बोलते हैं वहां चले जाओ ठीक है और राक्षसों के साथ वहीं पे तुम्हारा अच्छा जीवन व्यतीत होगा तुम वहीं के लिए बने ठीक है जो करना है करो तुम्हारे जो शिष्य है राहु उनके साथ अः तु, तुम्हें जो करना है करो उनको उनके साथ जो सेना बनानी है बनाओ ठीक है और ये शराब देते हुए कहते हैं कि बस एक चीज है जो तुमको बचाती है कि तुम ऋषि भृगु के पुत्र हो तो इस वजह से मैं तुमको एक चीज बोलता हूँ कि मैं तुम्हें प्लैनेट बन मतलब तुम्हें एक उपाधि देता हूँ कि तुम ऐसे प्लैनेट भी जाने जाओगे तो अगर ऐस ए प्लैनेट जाने जाओगे तो तुम्हारा मतलब जैसे बोलते हैं भौगोलिक रूप में तुम्हारा जो एक सर्वस्व होगा तुमको तुमको दुनिया जानेगी जिसको एक अच्छा अच्छा शुक्र माना जाएगा भौगोलिक उसमें ठीक है कॉन्टेक्स्ट में मगर अगर किसी जातक को आ, के दिल में जो होगा भोग की जब और विलासता की बात होगी तो वो गुरु शुक्राचार्य ही होंगे तो बेसिकली क्या है कि गुरु शुक्राचार्य को हम दो इस एंगल से देख सकते हैं अगर किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा होगा ना तो वो भोग और विलासिता की, की तरफ नहीं होगा वो वो प्रॉपर गुरु गुरु प्रेमी होगा गुरु के प्रति उसकी बहुत आस्था होगी ठीक है अपनी स्पाउस के प्रति बड़ी ही आस्था होगी आस्था एज इन वाइफ के प्रति कोई चीटिंग नहीं होगी या हस्बैंड के प्रति कोई चीटिंग नहीं होगी मतलब शुक्र शुक्र इतना इतना बढ़िया होगा वो जिसमें कोई लालच नहीं कोई भोग नहीं किसी का कुछ चीटिंग नहीं करना किसी के साथ क्योंकि भोग विलास आपको चीटिंग करा सकता है ना आपको कि, 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 किसी ने किसी के साथ आप धोखाधड़ी भी कर सकते हो तो वो ये पहचान होती है अच्छे शुक्र की मगर अगर किसी का शुक्र जो होगा गुरु शुक्राचार्य वाली क्वालिटी लिए होगा तो उसमें भोग विलासिता होंगी और आपको ऐसे बहुत चार्ट मिलेंगे जिसमें आपको क्लाइंट बोलेगा सर मेरा तो शुक्र ना ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है और मेरा तो सर अब वो देखो अपनी प्रॉब्लम क्या क्या बताएगा आपको वो बताएगा सर मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई मेरी तो इतनी एज हो गई मेरी तो शादी नहीं हुई ठीक है या बोलेगा कि अ, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है मेरा तो अः कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेरा जो शुक्र है वो तो एक्सोल्टेड है बारहवें घर में या बोलेगा सर मेरी तो पाइसी साइन ही ट्वेल्थ में हाउस में आ रही है तब भी सर मेरा शुक्र एग्जॉल होने के बाद भी मेरे जीवन में कुछ नहीं है तो जो वो शुक्र होता है वो कष्ट शुक्र है वो वो भगवान विष्णु का कष्ट शुक्र है वो वो श्राप है श्राप वाला शुक्र है वो समझे आप अगर शुक्र अच्छा होगा ना चार्ट में मैं कहता हूं छठे में भी होगा जहां पे वो काल कालपुरुष में डेबिलेटेड माना जाता है नीच का अगर अच्छा शुक्र होगा ना तो वो जो शुक्र होगा मतलब उसको आप ये मान लीजिए कि आ, वो अपने गुरुओं के लिए और इतना करता होगा और लक्ष्मी का उसे ट्रू माइने ट्रू मायने पता होगा लक्ष्मी जी क्या होती है कैसे आती है कि लक्ष्मी कोई अलक्ष अलक्ष्मी वाले कार्य करके नहीं आती लक्ष्मी जो आती है अपने लक्ष्य को सीधे सारे कार्य करके ही साधा जाता है ना कि बुरे कार्य करके ऐसे भी चार्ट मेरे पास है जो कि जिनका शुक्र छठे घर में है और वो सच में मिलेनेर है वो और उनके और उनको किसी तरीके का कोई लालच नहीं कोई कुछ नहीं उन्होंने अपने शुक्र को ऐसे साधा हुआ है तो आ, आ, कुंडली देखते ही पता चल जाएगा क्लाइंट से बात करते ही पता चल जाएगा कि इसका शुक्र बिगड़ा हुआ है या इसका शुक्र सुधरा हुआ है बात करने से पता चल जाएगा आपको कि ये कैसा है इसका शुक्र क्योंकि कई तो तुरंत ही बोलते ना सर मेरा तो शुक्र बारहवें घर में है सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मैंने तो जीवन में कोई भोग ही नहीं किया वो साफ भोग वर्ड बोलेगा मेरे जीवन में कोई भोग नहीं है ठीक है कुछ भी नहीं है अब इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है दो हो सकती है इनफैक्ट हो सकता है कि उसके मल्टीपल एक्स्ट्रा मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप हो बिफोर मैरिज शादी तो बहुत दूर की बात है नहीं मगर वो बता नहीं रहा आपको पर एक क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली uh, उसके बिफोर और आफ्टर दोनों हो सकते हैं मतलब भोग वाला जो शुक्र है वो ऐसे पता चल जाता है क्योंकि बारहवें घर के शुक्र की ना लोग आ, इसे बोलते हैं कस्मे बहुत खाते हैं सर मेरा तो बारहवें घर में है और मेरा तो जीवन ऐसे ही निकल गया कुछ मिला ही नहीं मतलब जिसका बारहवें घर में होगा तो आपको पता लगेगा कि बिगड़ा हुआ शुक्र है कि या सदा हुआ शुक्र है आप एक शुक्र ठीक ठाक वाला भी होता है मतलब कि बारहवें घर का जो कि कुबेर कुबेर जी का एग्जाम्पल है जिनको गणेश जी यानी इनको गणेश जी ने उनको आ, सिखाया कि भाई तुम्हारे चैरिटी का जो तुमको घमंड है ना कि तुमने मेरे माता पिता को बोला कि मेरे घर आके खाइए लंका में आके ठीक है तो उस भोज जो आपने कराना था उस पर आपको घमंड था तो भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्र को भेज देते हैं तो गणेश जी वहां जाके उनको जो है सबक सिखाते हैं कि तुमको जो अपनी चैरिटी का घमंड है ना क्योंकि शुक्र ट्वेल्थ हाउस वालों को अपनी चैरिटी पे बड़ा घमंड होता है और वो बहुत गाते हैं इस चीज का कि मैंने वहां किया मैंने यहाँ किया मैंने इसको दिया मैंने तो ये भी ये भी जो होता है एक बिगड़ा हुआ है मगर उस उस कॉन्टेक्स में नहीं है एटलीस्ट कम से कम समाज के लिए सोचता है ऐसा इंसान तो हमको देखना कुंडली में हमारी खुद की कुंडलियों में हमारे परिवार जन की कुंडली में शुक्र कौन सा है प्लैनेट वाला है शुक्राचार्य वाला है कुबेर वाला है कौन सा है ये हमको खुद देखना है और अगर हमको पता चल गया है कि ये खराब है तो सही करना तो हमारे हाथ में ही और अगर सही है तो फिर तो अच्छी बात है ही है तो ऐसा तो नहीं है कि खराब है तो आप ठीक नहीं कर सकते खराब है तो आप अपनी सोच चेंज कर लीजिए शुक्र ठीक हो जाएंगे बेसिकली चाहे वो पीड़ित भी हो चाहे वो रेट्रोगेड हो चाहे वो कम्बस्ट हो चाहे वो नीच के हों चाहे वो पाप करतरी में हो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल एकदम मेरी रिसर्च है शुक्र का बहुत रोल है मैरिज में मैंने सिर्फ शुक्र को इंपॉर्टेंस दी है मैंने नहीं दिया और किसी प्लैनेट को मैं कन... मतलब क्योंकि क्या होता है फिर कंफ्यूजन आएगा ज्यादा देखोगे तो मगर शुक्र से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है सब कुछ शुक्र इवन मेल चार्ट में मेल वाइटैलिटी का कारक जब आता है तो वो भी शुक्र है ठीक है और जब फीमेल में बात आता है तो फीमेल के लिए भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी में शुक्र का रोल आता है जब ओवरी की बात करते हैं ठीक है जो ग्रोइन वाला एरिया होता है वहां पे भी शुक्र का पार्ट आता है तो बेसिकली अगर शुक्र का मतलब देखना है पीड़ित तो आपको कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित चीजें देखनी है शुक्र के साइन शुक्र कहाँ एग्जोल्टेड होता है कहाँ डेबिलेटेड होता है कहाँ वो किन घरों में बैठा है कौन सा प्लेनेट की दृष्टि है उनके ऊपर और ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मतलब इसको और भी अच्छा डिटेल में मतलब लाल किताब में बताया है क्योंकि वहां पे क्या होता है एक प्लेनेट को जब बताते हैं एग्जॉलिटेड है तो उसके और चीज भी हम बताते हैं मगर मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं वो चीज भी यहाँ पे आपको समझाऊं एक काल पुरुष कुंडली को दिमाग में रख कर ताकि आप ढंग से समझे तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है अगर आपने अपना शुक्र अच्छा कर रखा है तो सब कुछ अच्छा और शुक्र शुक्र अच्छा करने के लिए कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है शुक्र हमारे हाथ में है हम जब चाहे अच्छा कर सकते हैं मेडिकल कोई प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स उसके लिए थोड़ा जत्न प्रयत्न कर सकते हैं भगवान से प्रार्थना करनी पड़ सकती है क्षमा दान हमें करना पड़ेगा यानी हमें खुद क्षमा मांगनी पड़ेगी अपने कर्मों की हमें दान करने पड़ सकते हैं पूजा करनी पड़ सकती है वहां पे मैं मानता तो हूं हमारे को कर्म ज्यादा करना पड़ेगा बट अदर देन दैट जो शुक्र के कार्यकत्व होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि अपने पाउस का ध्यान रखना चीटिंग नहीं करना अपने गुरु की वैल्यू करना गुरु की जितनी हो सके यथासंभव उनकी सेवा करना तो बेसिकली शुक, क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारण है लग्जरी सबको चाहिए बट लग्जरी के प्रति जो लग्जरी आती है वो कोई नहीं करना चाहता बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता ये एक है ना एक कहावत है ना फिगर ऑफ स्पीच इसको बोलते हैं तो कहने का मतलब है कि कार्य तो ऐसे करने ही पड़ेंगे आपको देखिए शुक्राचार्य क्या है शुक्राचार्य संजीवनी विद्या है उनको ऐसी नहीं मिली थी संजीवनी विद्या उन्होंने उल्टा पेड़ से लटककर भगवान शिव को प्रसन्न किया था तब उन्होंने तब उन्हें संजीवनी विद्या मिली थी जब उन्होंने हजारों साल तपस्या तो करी और जब अग्नि जलाई उन्होंने अपने जब उल्टे लटके थे तो उसका वो धुएं को स्मोक को वो इनहेल कर रहे थे तो अब शुक्र के प्रति मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन में शुक्र अगर आए लग्जरी आए और सुंदरता आए यू नो इसको बोलते हैं हमारे स्किन में ग्लो आए वे सब शुक्र है तो इसके लिए मेहनत लगती है इतना आसान नहीं है बेसिकली तो ये बेसिक कुछ रूल्स शुक्र को समझना अब उसके बाद हम अब समझेंगे कुछ एडवांस uh, प्रिंसिपल्स कुछ चार्ट uh, को समझेंगे तो उसके बाद हमें और समझ में आएगा कि कैसे हमें रूल्स को देखना है ठीक है अब एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल क्या आप, uh, और ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें चार्ट में देखने चाहिए ठीक है थ्रू साइंस थ्रू नक्षत्र और थ्रू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन कंजंक्शन आस्पेक्ट्स डिग्निटी वो क्या है ठीक है जिससे पता चलेगा लेट मैरिज नो मैरिज मल्टीपल मैरिजेस स्कैंडल मैरिटल अफेयर आई मीन एनीथिंग एंड एवरीथिंग ठीक है